नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम 17,000 प्लस पोस्ट एएनएम स्टाफ नर्स फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन रिजल्ट। यूपी एनएचएम से नई नोटिस, सिक्योरिटी बांड, सीएचओ कितने दिन के अंदर ज्वाइनिंग, जिला अलाटमेंट पीडीएफ लिस्ट, रिजल्ट जारी। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यूपी एनएचएम की तरफ से 17,000 प्लस पोस्ट के लिए दोस्तों दिसंबर और जनवरी में परीक्षा हुई थी, वो भी ऑनलाइन मोड में परीक्षा हुई थी। और इसके लिए दोस्तों रिजल्ट पर काम चल रहा था। रिजल्ट बताया यही जा रहा है कि रिजल्ट का काम पूरा हो गया है, सब कुछ जो है तैयारियां पूरी हो गई हैं। बात निकल कर आ रही है 15 से 20 अप्रैल के लगभग में जो है 17,000 प्लस पोस्ट का जो है रिजल्ट आना तय है। दोस्तों यही बात निकल कर आ रही है, 15 से 20 अप्रैल को जो है यह रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद नई नोटिस आप लोग को देखने को मिलेगी, जो उसमें आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर हर चीज़ रहेगा। चलिए दोस्तों, जो नई नोटिस जारी हुई है उसके बारे में बता दे रहा हूँ। यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं 5 तारीख की डेट में आया था, देख सकते हैं सब्जेक्ट में दिया है रिगार्डिंग फाइनल डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन टू 4967 CHO CCHN ट्रेनिंग फॉर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर पोजीशन आफ्टर सक्सेसफुली पासिंग टर्म एंड CCHN एग्जाम यहां पर दिया गया है। दोस्तों आप देख सकते हैं, इस ये भी पढ़ सकते हैं, यह देखिए फाइनल लिस्ट आ चुकी है, 4938 कैंडिडेट पास इन फर्स्ट अटेम्प्ट टेबल ए में देख सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों यहां पर जिला भी इन लोगों का अलाट हो गया है। पहले नंबर पर मोहित कुमार हैं, यहाँ पर देखिए रिजल्ट दिया है पास, आगरा डिस्ट्रिक्ट इनको मिला हुआ है। जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं सभी अभ्यर्थियों को जो है बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पर देखिए धर्मेंद्र कुमार जी हैं अंबेडकर नगर, और ऐसे ही तमाम अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए हैं। अब दोस्तों यह जो रिजल्ट आया हुआ है इसके साथ में एक नोटिस भी आई है, वह नोटिस देख लेते हैं उसमें क्या करना है। यह देखिए दोस्तों, ऑन नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर ऑफ 100 रुपये नेशनल हेल्थ मिशन सिक्योरिटी बॉन्ड, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों यह सिक्योरिटी बॉन्ड आप लोग को भरना रहेगा। यहाँ पर नाम, पिताजी का नाम, और उसके बाद जो है इसमें सब कुछ आपको फिल करने के बाद यहाँ साफ साफ दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट थ्रू इट कन्वेवर द बॉन्ड अमाउंट 2.5 लाख रुपए। दोस्तों ये 2.5 लाख रुपए जो है आपका जो है बॉन्ड रहेगा, और इसमें साफ साफ यहाँ पर दिया गया है कि आप इतने साल के अंदर जो है अगर छोड़ते हैं तो आपको यहाँ पर डेट ईयर सब कुछ लिखा रहेगा, मेड ऑन डे ऑफ ईयर यहाँ पे साफ साफ लिखा रहेगा सब कुछ। आप अगर इतने साल के अंदर छोड़ते हैं तो 2.5 लाख रुपए का आपका जुर्माना देना पड़ेगा। यह बॉन्ड जो है भराया जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों यह पॉइंट देख सकते हैं जिसमें दिया है 2.5 लाख रुपए, और इस तरह से यह जो है जारी हुआ है। दोस्तों ये आप लोग बनवा सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सिलेक्शन आप कैंडिडेट का दिया है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, मिनिमम लिमिट आप स्पॉन्सरशिप दिया है, परमानेंट एब्जॉर्प्शन ये सब दिया। आप लोग एकदम अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और इसमें सैलरी दिया है कितनी सैलरी आपको मिलेगी, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सैलरी का दिया है, कैंडिडेट अपॉन डेवलपमेंट और एज CHO मे बी पेड कंसोलिडेट ऑनेरिया 20,500 पर मंथ एंड परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव अप टू 15,000 पर मंथ ड्यूरेशन हिच हर टेंचर अपसी, मतलब इनकी सैलरी 20,000 रुपये रहेगी और परफॉर्मेंस के ऊपर 15,000 यानी कुल मिलाकर 35,500 रुपये नियर अबाउट। अगर और अच्छा काम करते हैं तो और भी इनको मिल सकता है। 100 रुपये का स्टाम्प पेपर पर यह सब बनवाना रहेगा। यह सिक्योरिटी बॉन्ड है दोस्तों, और इसके साथ में तमाम चीज़ें इसमें दी गई, आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और यह बनवाने के बाद दोस्तों आप लोग 1 महीने के अंदर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जो अपडेट निकल कर आ रही थी मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक बता दिया हूँ। यूपी एनएचएम की तरफ से 17,000 पोस्ट का रिजल्ट रुका हुआ है, वह भी आप लोग को 15 से 20 अप्रैल तक देखने को मिलने वाला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और एक लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।